हमारे इलेक्शन मैन भाई, अरे भाई टिकट हो गया भाई, नहीं हुई क्या दिक्कत है। Hey guys, welcome back to another vlog. आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10 और नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। सुबह में गया था कालका जी मंदिर, उसके दर्शन करने के बाद आ गया हूँ मैं घर पर। और अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरा एक दोस्त है बंटी, तो उसके मतलब कॉलेज में इलेक्शन है, तो उसका कल है नॉमिनेशन, कल 19 तारीख है, तो आज उसको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देने के लिए जाना है। तो मैं और उसका बड़ा भाई और हमारा दोस्त है आजम, वो हम तीनों जने मतलब जा रहे हैं तीनों लोग कॉलेज उसके, और कल उसका नॉमिनेशन है। तो अभी जाके देखते हैं कैसा माहौल है कॉलेज में। तो उसका मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, मतलब मोतीलाल नेहरू कॉलेज है उसका, और अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो उसकी कार लेके निकलेंगे। तो अभी तो मतलब थोड़ा 10 मिनट बाद निकल रहे हैं, विकास का ऐसे फोन आ जाएगा। उसके बाद तो विकास को आप जानते हो, मेरे साथ पहले मंदिर जाता था, तो उसका भाई है छोटा बंटी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं कॉलेज, तो आजम का वेट कर रहा हूँ, बस आजम आ जाएगा जल्दी से, उसके बाद निकलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी थोड़ा घर में शादी का माहौल है, तो थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह हो रही है, तो दो बार तो मतलब मैं चांदनी चौक चला गया ऑलरेडी। तो अभी देखते हैं, फिर अभी मतलब कुछ दिनों बाद फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी बोली थी कुछ और सामान रह गया अभी, तो मतलब चलेगा अब तो भाई पूरे 2 महीने, नवंबर में शादी है, तो अभी सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने तो ऐसे चलेगा। फिर इनविटेशन भी बांटने हैं हमें सब लोगों को, तो थोड़ा सा बिजी तो रहेंगे। अब बाकी व्लॉग आप देखते रहो, आपको पता लगता रहेगा। बाकी देख सकते हो अपना यार गेमिंग रूम, मतलब थोड़ी इसकी हालत खराब हो चुकी है अभी, थोड़ा मैंने मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, बिल्कुल मतलब चला नहीं रहा कंप्यूटर अपना। बट आप थोड़ा सा कुछ दिनों बाद मेरे को ना मतलब एक वीडियो एडिटिंग का वर्क मिलने वाला है, तो वो भी मैं थोड़ा बड़े यूट्यूबर का है, तो मैंने बात करी, तो अभी वो कहीं घूमने गया बाहर बंदा, तो उसके बाद देखते हैं पहले इसका। मैं थोड़ा मतलब डेली रूटीन पे बैठा करूंगा ना, तो मस्त साफ सफाई वगैरह कर लूंगा। अभी देखो बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, ऐसी सारा फैला हुआ है भाई सब कुछ, ये देखो गद्दा वद्दा सब ऐसी रख दिया है। जय श्री राम। तो अभी आजम आ रहा है, फिर निकलते हैं हम लोग। तो हम लोग निकल चुके हैं भाई, और बारिश शुरू हो चुकी है, तो कार वगैरह निकाली पार्किंग में, तो थोड़ा टाइम लग गया। और आजम आ चुका है, तो अभी चलते थोड़ा धीरे धीरे। तो यहाँ पे बारिश हो गई है हमारे निकलते ही, बट तो अभी थोड़ा स्लो हो गई है, थोड़ा अभी ना तेज हो रही थी जब निकल रहे थे हम लोग। और बट भाई यहाँ पे देख रहा हूँ मैं ना, फर्स्ट टाइम थोड़ा कार चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा डर सा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ने तो चलाई है मैंने बहुत बार, पर ना मेरे को ना मैनुअल कार चला रहा हूँ थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों, एक थोड़ा सा ऑटोमेटिक थोड़ा चलाने में मजा आता है। और यहाँ पे पानी भरा होगा देख रहा हूँ बहुत तेज, सॉरी बहुत ज़्यादा पानी भरा होगा। केजरीवाल से बोलो रोड पर ऐसे उतारो भाई, मैं विकास ने इतना परेशान करता है ना मेरे को भाई, मित्र घर कैमरा ये बहुत परेशान करता है भाई। 10:30 से बैठा हूँ इसके घर पे, और 12 बजा दिए इसने यही निकलने में, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पानी भरा होगा। दिखाइयो, तो ये है संगम विहार की गलियों में देख सकते हो आप। नहीं नहीं हाँ, तो थोड़ा सा धीरे निकालना पड़ेगा पहले गियर पे, देख लो भाई। तो चलो मेरी फर्स्ट ऑफ रोडिंग है i20 के साथ। चला साइड में, तो आगे मैं साइड में क्या दिक्कत तो हुई है साइड में। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं, और हमारा बंटी भाई वेट कर रहा है कॉलेज में, उसके थोड़े डॉक्यूमेंट कुछ रह गए थे, तो उसका कल नॉमिनेशन है, तो फुल सपोर्ट करना है हमें, टीम इंडिपेंडेंट से वो हुआ है। और बाकी देखते हैं वहीं से भाई, कल नॉमिनेशन हो जाएगा, तो फिर कल डिक्लेयर हो जाएगा उसकी टिकट वगैरह सब कुछ, और परसों तहलका मच जाएगा उसके कॉलेज के बाहर। तो कोशिश करूंगा मैं जाने की, वैसे तो मैं रेडी हूँ, तो जॉब वॉब छोड़ दी है, तो बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। बस मैं कालका वहाँ से यही दुआ करूंगा वो जीत जाए, और उसके जीतने का फिर मैं भी इलेक्शन में टिकट ले लूँ बीजेपी से MLA की, क्योंकि 6 महीने बाद इलेक्शन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो कोशिश करेंगे टिकट विकट मिल जाए मुझे भगवान की दुआ से, बाकी सपोर्ट तो आप लोग कर ही दोगे मुझे पता है। चलो चलते हैं, थोड़ा सा पहले बाहर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो हम लोग आ चुके हैं भाई बाहर मेन रोड पर, और ये विकास ने अपने घर से बटर लेके आया है, भूख लग रही थी कह रहा है, देख सकते हो आप। हेलो, बारिश धीरे धीरे हो रही है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो आप, विकास भाई की पार्टी चल रही है भटूरों की, और ये अकेले अकेले खा रहा है बंदा, अपने लिए लेके आया, इतना सेल्फिश बंदा मैंने नहीं देखा भाई, देख रहे हो भाई, ये बेकार बंदा है आज से मेरे लिए। तो यहाँ पे हम लोग तारा अपार्टमेंट पहुँच चुके हैं, और पहुँचते थोड़ा सा ट्रैफिक मिल रहा है, क्योंकि अभी आज अभी ना मतलब थोड़ा स्कूल के पेपर चल रहे हैं, तो ये वजह से थोड़ा अभी फर्स्ट टाइम वगैरह चल रहा है, तो थोड़ा सा जाम वगैरह रहता है स्कूल के टाइम पे। बाकी हमें जाना है मुनीरका के पास, तो थोड़ा टाइम लगने वाला है पहुँचने में मुझे ऐसा लग रहा है। A few moments later. तो हम लोग आ चुके हैं भाई अभी कॉलेज के पास, और बंटी भाई हमारे आ रहे हैं, मैंने उन्हें फोन कर दिया है,
भाई इलेक्शन की यहाँ पे ना पूरा भाई खाली खाली देख रहे हो, पूरा रोड खाली क्योंकि बंद कर रखा है पूरा रोड। भाई बंटी भाई आते हैं फिर मिलवाते हैं आपको उनसे। हमारे इलेक्शन मैन भाई, अरे भाई टिकट हो गया भाई, नहीं हुई क्या दिक्कत है भाई, पेपर लो पहले तुम अपने, आओ अंदर आओ। तो भाई आ गए हमारे, तो चलो अभी चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ हो रही है भाई, सब इलेक्शन वाले। चले भाई भाई खड़ी का करनी है। तो हम लोग आ चुके हैं कॉलेज के अंदर भाई, और बंटी भाई हमारे जो कि कैंडिडेट हैं यहाँ के, नॉमिनेशन करेंगे कल ये, और अभी हम लोग चल रहे हैं कॉलेज के अंदर। हम लोग अभी कॉलेज के अंदर आ चुके हैं, कैंटीन में भाई लस्सी ले ली है, और अभी बंटी भाई तो अभी चला गया कहीं कुछ काम से। ये देखो कॉलेज का ग्राउंड देख रहे हो भाई, ये पूरी कैंटीन एरिया, और ये हमारे विकास बाबू फुल भगत सिंह वाली मूछे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि बंटी भाई तो यहीं रहेंगे, बाकी हम लोग निकल जाएंगे। अभी लस्सी पी के चलते हैं। यहाँ पर दवा की कैंपिंग चल रही है अभी इलेक्शन की। यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो गई है, तो हम लोग थोड़ा साइड रुके हैं। भीड़ देख रहे हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है भाई, गाने चलाने फुल देख सकते हो। ये हम जा रहे हैं कार के पास, क्योंकि कार ना बहुत दूर है, तो हम यहीं चलते हैं अभी। ये देखो Hours later. तो कॉलेज से हम लोग आ चुके हैं अभी, और हम लोग अभी आत्माराम कॉलेज के पास, और कार मतलब बाहर खड़ी थी ना, क्योंकि एंट्री नहीं हो रही थी अलाउड, तो हमने बाहर खड़ी कर रखी थी। तो अभी कार में आके बैठे, तो बंटी का वेट हो रहा है अभी, उसको हम बाइक की चाबी देंगे, क्योंकि हम लोग कॉलेज से बाइक से आ गए थे क्योंकि दूर था। बाकी अभी लग रही है बहुत तेज भूख, कुछ खाएंगे। तो अभी बंटी आने का चाबी देंगे, फ्यूल डलवा के फिर निकलते हैं कुछ खाने के लिए। ठीक है भाई, क्या खिलाओगे भाई, क्या बताओ ना आप, लखनऊ। तो चलो भाई पहले ना अभी बंटी भाई वेट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से फ्यूल डलवा के, फिर खाएंगे कुछ। तो मैं बताऊँ आपको भाई क्या मजा आया, हम लोग थोड़ा इलेक्शन देखा, रैली वगैरह फुल मतलब डूसू के इलेक्शन हो रहे हैं, और मतलब वहीं कॉलेज के भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो सब ये साथ साथ ही होते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि पिछली बार ना तुषार डेढ़ा जीता था, तब क्या भाई देखते हैं कौन किसको पहले टिकट मिलती है, वो तो पता चले इलेक्शन में, बाकी कन्फर्म होने के बाद तो पता लग ही जाएगा, बाकी देखते हैं कौन जीतता है। बाकी भाई ये देख रहे हो भाई, फुल रेडी होके आए थे इलेक्शन के चक्कर में, पर बारिश ने सारा मूड खराब कर दिया। बारिश यार सब भीग गया, मैं भी थोड़ा सा भीग गया, मैं तो भाई भीगे ना ज़्यादा, भाई बारिश में खड़े थे, कह रहे नहीं भाई हम तो खड़े रहेंगे। चलो भाई तो बंटी तो भाई आ गया, और चाबी दे दी हमने उसे, तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से, निकलते हैं भाई। देखो कितनी तेज हो रही है, अभी इसमें दिखेगी नहीं, अब दिखेगी आपको शीशे पे, देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है। पर हमें यहाँ से ना यूटर्न पहले फ्यूल डलवाना है, तो पेट्रोल पंप पे चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप, बहुत लंबा यूटर्न लेके आना पड़ा भाई, यूटर्न ही नहीं था, तो तेल बिल्कुल नहीं है गाड़ी में, देख सकते हो। तो अभी हमने डलवा लिया है, और अभी हम लोग चल रहे हैं, अब घर के लिए निकलते हैं, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद घर जाएंगे, क्योंकि बारिश तो हो रही है कंटिन्यू, बाकी देखते हैं भाई। चलो यार जल्दी डलवा पेट्रोल और चलते निकलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अभी साउथ एक्सटेंशन, और भाई यहाँ पे ना ट्रैफिक थोड़ा बहुत रहता है ये नॉर्मली, और बारिश अभी बंद हो चुकी है, क्लीन चल रहा है अभी, तो मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। ये देखो मौसम बिल्कुल क्लीन हो चुका है, देख रहे हो थोड़े थोड़े बादल से दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, बट अब मुझे नहीं लग रहा कि बारिश होगी, बाकी वो तो भगवान के हाथ में जो होगी। बाकी अभी चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कहाँ कहाँ पे चले, खाने पीने लाजपत नगर चले भाई, कहाँ चले बताना, लाजपत नगर चले कहाँ पे, या कालका जी बताओ जल्दी बोलो, कहीं कालका जी भाई। चलो भाई देखते हैं कालका जी या फिर लाजपत नगर, दो में से एक जगह। तो हम लोग आ चुके हैं भाई नेहरू प्लेस और देशबंधु कॉलेज के पास, कालका जी ठीक है, हम लोग आ चुके हैं कालका जी नेहरू प्लेस के पास, और अभी कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, जा भाई जल्दी जा। ये भाई देख खर्च करने से डर रहा है, ये देखा ड्राइवर को लेके आए, खिलाना तो पड़ेगा भाई।
कोई तरीका है भीख मांगने का? जी मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लिया मैंने, यू करके। जा लेके आया, जल्दी जा जा भाई, कहा जल्दी जा। ये सब ऑर्डर किया है हमने, ये ग्रेवी वाले मोमोज, ये नूडल एंड चिल्ली पोटैटो। खाते हैं और टेस्ट बताते हैं कैसा है भाई। पीछे मुड़ जाऊं? पहले ग्रेवी वाले मोमोज खाने भी दे दे भाई। भाई उठा के भाई, ग्रेवी तो मस्त लग रही है ना। चलो पहले ना ये खा लूंगा ना, सारे ना ये लोग खा जाएंगे। देखो इनकी शक्ल पे हफ्ती जैसे दिख रहे हैं ये, देखो। तो फटाफट खा लेते हैं, फिर मिलता हूं मैं आपसे। 15 minutes later. चलो भाई, तो खा पी लिया है और हम निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए। और बारिश भी बंद हो चुकी है, अभी बहुत तेज हो रही थी मौसम, फिर थोड़ा सा क्लीन हुआ है। कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश हो सकती है, पर हम यहाँ से निकलते हैं। तो भाई ये विकास भाई आज मेरी बहुत खातिर कर रहा है, कह रहा है भाई तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, पेस्ट्री का चीज़ है। तो भाई ये पेस्ट्री लेके आए देख रहे हो, बट मैं खाऊंगा नहीं भाई। चलो भाई, तो पेस्ट्री खाते हैं, देन फिर निकल रहे हैं हम लोग। अभी ना नेहरू प्लेस साइड के अंदर कालका जी साइड खड़े हुए, तो हम लोग सीआर पार्क से जाएंगे यहाँ से, क्योंकि आज बुध बाजार लगा हुआ वेनसडे है, तो अंदर अंदर निकलेंगे। चलो पहले पेस्ट्री खाते हैं, प्यार से लेके आए भाई। चलो भाई, बहुत पेस्ट्री खा ली, टेस्ट मस्त, मजा आ गया। 70 रुपए की भाई एक पेस्ट्री थी, पर बढ़ते थे भाई पैसों में अमाउंट, मस्त टेस्ट था भाई पेस्ट्री का। और मैं बता रहा हूँ भाई, अब ना कुछ नहीं खाना, मम्मी बहुत मारेगी अगर लेट हो गए तो, क्योंकि 5 बज चुके हैं और घर पर मैं सुबह से गायब हूँ। तो चलो अभी घर चलते हैं, जल्दी से भगाता हूँ गाड़ी में, 120 की स्पीड में। भाई घर पहुंचते पहुंचते इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है, यहाँ पे देख सकते हो आप कितना पानी वानी हो रहा है भाई। मैं तो ये सहज मैं घर पहुंच के पहुंचेंगे भाई, विकास भाई घर पहुंचेंगे, हम जा रहे थे ना वहाँ तो पानी भर चुका होगा, तो मैं सोच रहा हूँ भाई कैसे जाएंगे भाई बताओ। ये डायपर लगा ली तो मैं भी फैंस का ये वाला ले लेते हैं। भैया ये डायपर दे दो। भैया नहीं सुन रहे, भैया कह रहे मेरे बच्चे बेटा उनके लिए सुखाना है पहले। तो मैं आ चुका हूँ घर पे और टाइम हो गया अभी 6। तो भाई बारिश ने ना बहुत दिक्कत कर दी, बारिश के चलते थोड़ा लेट भी हो गया हम लोग, बट फाइनली घर पे आ गए अभी हम। और थोड़ा सा मतलब थक गया, मतलब घर चलाते चलाते भाई मज़ा आया, लेकिन कॉलेज में जाके मज़ा आया। और अभी मम्मी मतलब तो सब्जी काट रही हैं, तो ये देख सकते हो आप, अभी आज बनेगी गोभी आलू। और ये हमारे पुष्पेंद्र भाई हैं, अच्छा तो आज हमारे जीजा जी का व्रत है, तो इसलिए व्रत का सामान बन रहा है खाना थोड़ा। एंड चलो भाई, हमारे पुष्पेंद्र भाई। हाँ भाई बनाए, चलो बनाने स्टार्ट करते हैं। करो ठीक है भाई। तो अभी भाई 6 बज गए, तो मुझे अभी दुकान का सामान लेने भी जाना है, दुकान का सामान लेता हूँ, क्योंकि वरना फिर बारिश हो जाएगी। तो दुकान का सामान लेके आता हूँ जल्दी से, स्कूटी जाके फिर मिलते हैं आपसे। 2000 years later. तो मैं आ चुका हूँ दुकान का सामान लेके घर पर, और थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी रास्ते में, तो इसे थोड़ा लेट हो गया। और अभी ना भाई टाइम हो गया 9 बज गए, तो खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो खाना खाते हैं। और सागर तो अभी अपने ना थोड़ा हेयर वगैरह कट करवा रहा है, वो सैलून की दुकान पे, तो वो वहीं पर है, मैं अकेला ही हूँ खाने के लिए, बाकी सबने खा लिया। तो अभी चलो खाना खाता हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज। चलो खाना खाता हूँ भाई, मैं लेके आ गया हूँ पर्स के। और आज है हमारे पास गोभी आलू की सब्जी और रोटी, जैसे मैंने आपको बता दिया था। एंड भाई ये देख रहे हो, ये ना सारा पेटी है ना, ये जो पेटी देख रहे हो ना भाई, इनमें ना सब में शादी के कार्ड है, 1, 2, 3, एक और इसके नीचे 4 पेटियाँ टोटल पूरी, तो ये 4 पेटियाँ पूरे कार्ड भरे हुए हैं। तो अभी मतलब नवरात्रों के बाद, नौवीं नवरात्र मतलब नौवीं में बहन की इंगेजमेंट है, उसके बाद कार्ड बटना स्टार्ट हो जाएंगे, तो पीली चिट्ठी वगैरह हो जाती है उसके बाद, तो अभी ऐसे ही रखे रहेंगे अब तक। तो चलो खाना खाता हूँ मैम, फिर थोड़ा सा आराम भी करूँगा फिर। तो खाना खा लिया है और अभी मैं अपने रूम में आ गया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं ना एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी होने वाली है ट्रिप, बहुत अच्छी राइड है। 26 तारीख को हमारी बात चल रही है, अभी मैंने अरविंद भाई से बात करी, तो अभी बात चली तो कल कन्फर्म हो जाएगा। 4 बंदे हैं, 2 बाइक, बहुत ही मजा आने वाला है इस ट्रिप पर, बहुत ही अलग ही ट्रिप होने वाली, 9 या 10 दिन की ट्रिप होगी पूरी, और देखते हैं मतलब बहुत ही तगड़ी है, बताऊंगा आपको पहले कंफर्म हो जाएगा जब। तो मैं 1-2 दिन में जाऊंगा फिर बाइक ठीक कराने, या फिर उसको थोड़ा लाइटिंग वगैरह काम कराना, फिर सर्विस कराना, मतलब ठीक तो है बाइक, बस सर्विस वगैरह करानी है नॉर्मल है। तो बाकी बता दूंगा आपको धीरे धीरे, ब्लॉग में पता लग जाएगा आपको। तो आज के ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ ब्लॉग कर देना लाइक,
चैनल पे जो भी नए चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तब तक गुड बाय, जय श्री राम।